Tennis Cricket dot in India's first tennis ball cricket website. जब शुगर रे लियोनार्ड और इवेंडर होलीफील्ड खेलते हैं तो उसको देखने का जो मजा है वो मजा इस मैच में आपको आएगा। बाहर घुमाया था और बहुत ज्यादा बाहर निकली, ये वजह थी कि अंपायर हेमंत कोहली ने वाइड बॉल दिया। थर्टी फॉर टू फोर्थ ओवर। इस बार भी वाइड बॉल, बहुत ज्यादा बाहर निकली गेंद। और आशीष आगरकर, आगरकर की यह खासियत है बहुत कम गेंदबाज होते हैं जो राइट आर्म राउंड द विकेट राइट ही बैट्समैन को करते हैं, पर वो एक एंगल बनाना चाहते हैं और वो एंगल बनाते समय बॉल को ऑफ स्टंप पर पिच करा रहे हैं। उनका जो बॉलिंग एक्शन है वो साइड आर्म है और ये एक वजह है कि एंगल बहुत ज्यादा बन रहा है। 31 पर 2 चौथा ओवर। वाइड बॉल, बिल्कुल जो हम बात कर रहे थे, कॉरिडोर में टप्पा खाकर बॉल एक एंगल बना रही है। 31 for 2, फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस। वाइड बॉल की लगातार श्रृंखला अब शुरू हो चुकी है। आशीष आगरकर अपनी गेंदबाजी में क्या चेंज लाएंगे इसके ऊपर नजरें हैं, लेकिन ये तमाम रन मायने रखेंगे। 32 पर 2 चौथा ओवर। यूके टाइगर चैंपियनशिप का आज का आखिरी मुकाबला सुपर थ्री में पहुंचने के लिए। कल सुपर थ्री में ऑलरेडी जगह बना चुकी है ट्राइडेंट पंतनगर बॉयज घाटकोपर। इस बार बेहतर बॉल थी, जो टप्पा चाहिए था उसको वहां पर खिलाया। एक ही जगह पर अलग अलग रफ्तार से गेंद करना, ये महारत, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। टेनिस बॉल का क्रिकेट ये टप्पे का क्रिकेट है और इसीलिए बाहुबली का कटप्पा और टेनिस बॉल का टप्पा लोग याद रखते हैं। बल्ले का बाहरी सिरा और लपक लिया। आशीष आगरकर चार वाइड बॉल किए लेकिन जब एंगल बनाया तो वो एंगल था वाइड एंगल, मैड एंगल, और बिंगो का एंगल भी उसके सामने फेल हो गया। और यहां पर उस्मान पटेल की बारी पर पूर्ण विराम लगाने में कामयाब रहा सुयोग स्पोर्ट्स पनवेल रायगढ़। तीसरे विकेट का पतन।